कानपुर में भीषण सड़क हादसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। कॉलेज जा रहे छात्रों की कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना संचेड़ी थाना क्षेत्र के भोंती हाईवे की है। मृतकों में 2 छात्राएं, 2 छात्र और ड्राइवर शामिल है। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सभी शव कार में फंस गए। शवों को कार की छत और दरवाजे काटकर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही संचेड़ी थाना पुलिस, डीसीपी वेस्ट समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। हादसे के बाद करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर हादसा हो गया। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर सचेड़ी थाना क्षेत्र के भोती हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। कार आगे चल रही ट्रक से टकरा गई। 2 ट्रकों के बीच आने से कार के परखच्चे उड़ गए। किस तरीके से हुआ, क्या है? बिगड़ा हुआ था। उसमें PSIT के बच्चे थे, वो गाड़ी में अल्टो गाड़ी में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार से निकलना था। पीछे वाला जैसे ही वो समझ गए बाइक गाड़ी खड़ी है, वो उसमें आकर गिरे। मतलब पीछे से और हाईवा है, वो आगे और पीछे से धक्का मारा। कार में कितने लोग थे, कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें कुल 5 लोगों की डेथ हुई है। उसमें 4 PSIT के बच्चे, 2 बच्चियाँ, 2 बच्चे हैं और एक ड्राइवर है।